कुछ गलत हो रहा हो उसके बारे में बोलना बहुत अच्छी बात है, पर करते फॉलो करना ये गलत बात। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अपने अपने घर में ठीक होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत एक गंदी आदत रही है। सपोज हमें कोई पोस्ट दिखती है या कोई वीडियो दिखता है तो उसे न्याय दिलाना ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी बनी है। अरे नहीं, उसके साथ गलत हो रहा है, हमें जाके उसको न्याय दिलाना है। बट वहाँ पे एक हमारा ओपिनियन नहीं रहता, हमारा एक जजमेंट रहा है। जब भी कोई ओपिनियन की बात आती है तो उसमें एक 50-50 मैटर करता है। हो सकता है वो सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है, पर जजमेंट की बात आए तो एक तो 100% वो सही है या फिर 100% वो गलत है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आप अपने लाइफ में कोई गलती कर रहे हो और उसकी आपको सजा मिले तो ठीक है, पर आपने अपने लाइफ में वो गलती की ही नहीं और आपको उसकी सजा मिल रही है, आपको उसके हेट कमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इससे और कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती आपके लाइफ में। क्योंकि आप देखना, किसी के भी पोस्ट को कितना आसान रहता है लाइक कमेंट या शेयर करना, बड़े आसानी से ये काम हम कर देते हैं, पर उसके पीछे जो भी वो रियल है या कहीं कहीं फॉल्ट है ये हम बिल्कुल भी नहीं देखते। हम तो सिर्फ भावनाओं में बह के वो काम कर तो देते हैं कि नहीं यार ये गलत बात है, इसको शेयर कर देते हैं, ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है वहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं, पर एक्चुअल में वो सही या गलत रहता है क्या? सोशल मीडिया पर हमारे रिएक्शन किसी को फर्श से अर्श तक लेके जाते हैं, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो वही हमारे कुछ रिएक्शन किसी को अर्श से फर्श तक ले आते हैं। ये बात बहुत छोटी है, मुझे ये बात पता है, बट ये भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि हम जो भी रिएक्ट करते हैं वो एक्चुअल में जो हम सिक्का बोलते हैं उसका एक ही पहलू देख रहे हैं क्या उसका? क्योंकि हमें दोनों पहलू देखना जरूरी है, क्योंकि हम भावना में तो काफ़ी जल्दी बह जाते हैं। हमें कोई वायरल पोस्ट दिख रही है, कोई रो रहा है तो हम उसके रोने पर चले तो जाते हैं, अरे अरे रो रहा है क्या पता सही बोल रहा हूँ, पर हम उसकी दूसरी साइड कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जो रो रहा है वो सही है क्या उसके आंसू? मेम्स पेज और न्यूज चैनल वाले को सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए, अरे यार ये कुछ आया है चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं, या ये पोस्ट आई है यहाँ पे अपन लिख के पोस्ट कर देते हैं। पर आप लोगों का क्या? आप लोगों का तो कट ही रहा है ना, एक मेंटल हेल्थ के हिसाब से आप तो बेवकूफ़ बन ही रहे हैं। और जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है उससे तो कहीं ज़्यादा लोग रंग बदलते हैं। एक एग्जांपल देखा जाए, अगर आप किसी को बोल रहे हो 6 है तो लोगों का बोला हाँ हाँ वो 6 है, अगर आप बोल रहे हो 9 है हाँ हाँ भाई तू सही है वो 9 है। क्योंकि आप देखना, कल जाके जब पता चला कि वो जोमेटो बॉय गलत था तो सब जाके उसको गालियाँ मार रहे थे, ठीक है। आज पता चला वो लड़की गलत है, सब जाके उसको गालियाँ मार रहे, ठीक है गालियाँ मार रहे, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छी बात है, आपको राइट्स है जो कुछ बोलना बोलने की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बट सपोज वो सेकंड साइड अगर वो पता ही नहीं चला रहता वो लड़का कहीं ना कहीं ठीक है क्या नहीं ये अलग बात, बट उसकी दूसरी साइड अगर पता ही नहीं चली रहती तो हमने तो दोषी उस लड़के को ही पकड़ा था ना, क्योंकि हम तो ठहरे न्याय देने वाले, हमको सब पता है कि हमने जो देखा है, हमने जो न्यूज़ देखी है या जो भी हमारे तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से तो वही सही है ना। हमने क्योंकि कहीं पे भी जाके उसका दूसरे साइड देखने की कोशिश ही नहीं की कि वो सही भी है या नहीं है, हमने कभी रिसर्च नहीं की। हमें रिसर्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है हमारे फेसबुक पेज के फीड पे क्या आ रहा है, या हमारे व्हाट्सअप पे शेयर होते हुए कौन से मैसेज आ रहे हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर कौन से मैसेज आ रहे हैं, क्या पोस्ट आ रही, वो मैटर करता है। और उसी से हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे यार बिल्कुल ये बात सही है हम ये करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा हो उसके बारे में बोलना बहुत अच्छी बात है, पर करते फॉलो करना ये गलत बात है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो सके तो तथ्य निकालो, जितना तथ्य निकालोगे उतना आपके लिए वो बात ठीक रहेगी। इस वीडियो से बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलते हैं। नंबर वन, सिक्के की हमेशा दो पहलू होते हैं तो दोनों पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर टू, आप अपना जजमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते, आप कोई जज नहीं है,
और नंबर थ्री आता है कि हर एक बात जरूरी नहीं है जो सोशल मीडिया पे दिख रही है वो बात सही ही है। इन सब बातों पे थोड़ा कॉन्शियसली सोचिए, क्या पता आपको थोड़ा हेल्प करें आगे किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।